सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चली होगी, और आप में से बहुत ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनका आज एग्जाम होगा FSA AG 3 का। सो कैसा हुआ आपका, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी आके आप अपने क्वेश्चन और अटैम्प्ट शेयर कर सकते हो। और आज मैं मॉक नंबर आई थिंक 18 या 19 किया हूँ, अभी देख लेंगे। और यहाँ पे जो मेरा एक्यूरेसी है वो घटा है, परसेंटाइल बढ़ा है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मॉक है थोड़ा सा कंपेटिवली कल के या फिर मैं जब लास्ट टाइम ये था उसके कंपेयर में थोड़ा सा मॉडरेट है, तो इसलिए भी है। और आपको मैं जरूर बोलूँगा कि आप मॉक्स अटेम्प्ट करिए, सो दैट मैं भी कंपेयर कर पाऊँगा कि हाँ मेरा मार्क्स कहाँ पर स्टैंड करता है आप लोगों के कंपेयर में। सो रैंक देख सकते हैं 452 है, मार्क्स है 70.5 आउट ऑफ 100, 88 अटैम्प्ट किया था और 93% है, 84 एक्यूरेसी है। तो चलिए एनालिसिस करते हैं डायरेक्ट। गूगल सॉल्यूशन, सो एज यूजुअल आप देख सकते हो इंग्लिश सेक्शन था, इंग्लिश सेक्शन में मैंने सभी अटैम्प्ट किए थे और उसमें मेरा 1 2 3 4 5 5 गलत हो गया, इसीलिए इसे मार्क्स मैंने कमाया होगा। आज का जो फ्रेंड्स आरसी था वो लॉन्ग आरसी था, जैसा कि आप देख रहे हो लॉन्ग आरसी था और बढ़िया था, मॉडरेट था, मतलब 3 से 4 मिनट आपको लग जाएंगे अगर आपका रीडिंग कंप्रेशन और अच्छा है तो 3 मिनट लगेगा ही आपको, मतलब लगना चाहिए क्योंकि बढ़िया है आरसी और वर्डिंग भी इसमें थोड़ा सा मॉडरेट है, तो वोकैबुलरी अगर आपका अच्छा है तो जल्दी समझ पाओगे। और मेरा जैसे कि एक देखिए आरसी में गलत हुआ, जनरली मेरा होता नहीं आरसी में गलत, बट एक आरसी में गलत हो गया मेरा, एक एरर में गलत हो गया, एरर देखते हैं कहाँ पे। अच्छा, और जस्ट प्रटेंडिंग टू, तो इसका सही क्या होगा? इसका सही होगा द स्टूडेंट्स आइदर कीप देयर वीडियोस कंप्लीटली स्विच ऑफ और जस्ट प्रटेंड, प्रटेंड होगा ना कि प्रटेंडिंग। ओके, एक 9 में गलत है, 9 कौन सा क्वेश्चन है, ये भी एरर से, देखते हैं इसमें क्या गलती है। सी में गलती है, हैव लर्न अलॉट, देखते हैं क्या होगा इसका, हैज लर्न अलॉट, यहाँ पे सिंगुलर टेंस, अरे यार यहाँ पे सिंगुलर आएगा नाउन, सॉरी वर्ब, कोई नहीं, हेल्पिंग मस्ट आएगा क्योंकि यहाँ पे जो मोर देन वन स्टूडेंट इन आवर क्लास, मोर देन यूज़ हो गया ना, ये एक रूल है फ्रेंड, उस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिटेक्शन किया गया है। नेक्स्ट 16 गलत है, अ गवर्नमेंट रन बाय वेल्दी पीपल, मैं एरिस्टोक्रेसी दिया था जो नोबल मैन रूल करते हैं उसके अकॉर्डिंग, पर देखते हैं ऐसा क्या है। प्लूटोक्रेसी यानी कि वेल्दी पीपल के द्वारा अगर रन किया जाता है गवर्नमेंट को तो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं, और मैं फ्रेंड एरिस्टोक्रेसी क्यों कर दिया था क्योंकि मुझे याद था कि नोबल लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को रन किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग कर दिया था। खैर ये चीज़ डाउट क्लियर हो गया मेरा, वेल्दी पीपल जब रन करते हैं गवर्नमेंट को तो उसको प्लूटोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट 18, ये क्या गलती है, अच्छा ये वर्ड यूज इसका, सही डायरेक्ट देख लेते हैं, ए एंड बी में सिर्फ ए किया था, बी में क्या है, वी आर ऑल कमिटेड टू कॉज ऑफ रेसल इक्वालिटी। ओके नेक्स्ट चलते हैं रीजनेबिलिटी पे। आज फिर मैं देखिए पजल में गलत हो गया, मतलब ऐसा होता नहीं जल्दी बट आज गलत हो गया, यानी कि लेवल बढ़िया था, आप अटेंड जरूर करिएगा। तो एक ही इसमें और एक गलत हुआ है आपका, ये कोडेड ब्लड रिलेशन आया था उससे गलत हो गया, होता है जल्दबाजी के चक्कर में। हाँ हाँ, तो इसको तो होना ही था यार, सिलॉक्स है इसको, मैं कितना भी कर लूँ उसमें एक्सरसाइज बट इसको होना ही रहता है। खैर और मेहनत करूँगा मैं सिलॉक्स पे, पता नहीं कब मेरा इंप्रूव होगा। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, आज क्वांट फ्रेंड बचा लिया मेरा परसेंटाइल, 2 गलत हुआ जितना मैं अटेंड किया। और आज आप जैसे फ्रेंड आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख रहे होगे, क्वांट सेक्शन मेरा हमेशा एकदम बेकार जाता था, बट आज उन सब कंपेयर में तो ठीक ही है, जैसा कि आप देख रहे हो एक गलत हो गया रॉन्ग नंबर सीरीज से, एक गलत हो गया आपका ये पार्टनरशिप से, होगा गलत होगा, मतलब मैं इसमें डाउट में था 16 वाला जिसमें क्वेश्चन कर रहा था, तो मैं डाउट में था, फिर भी मैं टाइम मेरे पास था नहीं तो इसलिए क्लिक करके चला गया, 7 पे गया था और 5 होगा यहाँ पे। अरे हाँ यार, मैं 7 महीना लिखा था कि 7 महीने तक ये लोग बिजनेस में थे, कब आए 5 महीने बाद, तो वही पूछ रहा है, तो मैं जल्दबाजी में 7 कर दिया, कोई नहीं। एक में क्वेश्चन छोड़ा था इसमें का और इसमें का, ओके कोई नहीं। जनरल स्टडीज, जो फ्रेंड क्वांट का जो क्वेश्चन था वो ठीक था, मतलब बढ़िया था, आप जरूर अटेंड करना, और मैं तो कहूँगा पूरा मॉक ही अटेंड करना, ज़्यादा सही रहेगा अगर आपके पास टेस्ट बुक का मॉक है तो, नहीं है तो मुझे बताइएगा फ्रेंड आप कमेंट करके कि आपको कौन सा क्वेश्चन चाहिए, क्वांट वाला चाहिए, रीजनिंग वाला चाहिए, तो मैं आपसे फोटो क्लिक करके अपने ग्रुप में शेयर कर दूँगा टेलीग्राम के, वहाँ से कर लीजिएगा क्वेश्चन। वैसे मैं एक क्वेश्चन में दिया हूँ क्वांट का, वो केसले डी आई है अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के वो क्वेश्चन जरूर करिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, मतलब क्वालिटी वाला। नेक्स्ट है आपका जनरल स्टडीज़, ओके जनरल स्टडीज़ में मेरा 17 सही हुआ है, 2 गलत हुआ है, यानी कि मैं 19 अटैम्प्ट किया था, 6 नहीं किया था, मैं जानता हूँ 6 जो अटैम्प्ट नहीं किया होगा वो डायरेक्ट आपका हिस्ट्रीस होगा, हिस्ट्री में पढ़ा नहीं हूँ बस ऐसे ही। अच्छा बैटल ऑफ बक्सर, कौन सा गलत हुआ मेरा, इट इज एलटी इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स वॉज लॉन्ग बाई वी सुपर ऐप, अच्छा इसके अंदर क्या होगा, क्रिप्टो वायर, ओके नेम द कंट्री हुआ ज्वाइन द नाटो रिसेंटली, मैं यूक्रेन कर लिया था, बस किस किया था फ्रेंड क्योंकि मुझे ये पता है कि यूक्रेन अभी उसमें गया नहीं था, इसमें मैं डाउट था कि वो रिसेंट ज्वाइन किया कि नहीं किया, और फिनलैंड का तो बात ही चल रहा था, फिनलैंड और स्वीडन का कि ये ज्वाइन करेंगे बट किए नहीं, देखते हैं भाई वही है आंसर पता नहीं कब कर लिया, लगता है मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ा इसके अकॉर्डिंग। खैर ये सब फ्रेंड देख सकते हो, डायरेक्ट हिस्ट्री क्वेश्चन तो मैं छुआ ही नहीं, द स्वदेशी मूवमेंट वाज अ कंसीक्वेंस ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल बाय लॉर्ड कर्जन, फ्रेंड ये सब जो मैं छोड़ता हूँ ना फ्रेंड, ये ज़्यादातर हिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही बेसिक से होता है, तो मैं पढ़ा नहीं हूँ तो मैटर नहीं करता, और बाकी सब जो फ्रेंड की ज्योग्राफी और मतलब जो मैं अटेंड करता हूँ समझो फ्रेंड वो कहीं ना कहीं एमसीक्यू में किया रहता हूँ तभी मैं अटेंड करता हूँ, अदरवाइज मैं छूता ही नहीं है, ये दोनों छुआ मैं गेस किया और गेस किया तो गलत हो गया, होता है फ्रेंड्स कभी कभार। सो फ्रेंड्स
कैसे लगी आपको एनालिसिस, अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो तो आप भी ये मॉक को करिएगा, और मैं तो रिकमेंड करता हूँ फ्रेंड जितना भी मॉक करता हूँ करिएगा। और आप में से अगर ऐसे जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका CAG 3 का एग्जाम होगा तो प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। और जो भी आपको क्वेश्चन याद होगा GS रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपका एग्जाम हो गया तो जरूर हम लोग से शेयर करिएगा, सो दैट हम लोग भी उसमें वर्क कर पाएँ और आपके बदौलत हम लोग भी अपना मार्क्स गेन कर पाएँ अपकमिंग एग्जाम में। सो टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स।